जय श्री राधे कृष्णा। देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी का क्या महत्व है और इस दिन तुलसी विवाह क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो आइए शुरू करते हैं। देव उठनी एकादशी, जिसे देवोत्थान या प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां आती हैं, यानी हर महीने दो एकादशी आती है। इनमें से एक है देव उठनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निंद्रा से जागते हैं। इस दिन घर घर उत्सव मनाया जाता है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, जो कि भगवान विष्णु की योग निंद्रा में चले जाने से बंद हो गए थे। कथा अनुसार श्रीहरि ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि दान मांगी, तो भगवान श्रीहरि ने पहले पग में पूरी पृथ्वी और सभी दिशाओं को ढक लिया, दूसरे पग में पूरे स्वर्ग को ढक लिया, तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि ने भगवान के आगे अपना सिर रख दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप हमेशा मेरे महल में रहें। राजा बलि को वरदान देते हुए भगवान को पाताल लोक जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल लोक में चले जाने के बाद सभी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। भगवान को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ पहुँची और उन्हें अपना भाई बना लिया। भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने के लिए वचन लिया। पाताल लोक से विदा लेते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह अषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। पाताल लोक में उनके रहने की इस अवधि को योग निंद्रा कहा जाता है, जिसके चलते इन महीनों में कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, जो कि देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के योग निंद्रा से जागने या पाताल लोक से वापस आने के बाद शुरू होते हैं। हिंदू धर्म में इस दिन को आनंद और मंगल का माना जाता है। भगवान के जागने पर शुभ शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को गन्ने से बनाए गए मंडप के नीचे रखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। पूजा में मूली, शकरकंदी, सिंगाड़ा, आंवला आदि फल सब्जियां अर्पित की जाती हैं। इस दिन तुलसी जी का विवाह और उनका पूजन किया जाता है। इस दिन तुलसी माता को मेहंदी, मौली धागा, फूल, चंदन, सिंदूर, सुहाग के सामान की वस्तुएं, अक्षत, मिष्ठान और पूजन की सामग्री आदि भेंट की जाती है। और इतना ही नहीं, आज के दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाता है, जो कि भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री का पति जलंधर क्रूर और देव विरोधी होकर तीनों लोकों का अधिपति बन बैठा था। वृंदा के सतीत्व के कारण वह अजेय और शक्तिशाली बना हुआ था। महादेव भी उसे हरा न सके। तब सभी देवताओं के कहने पर श्री हरि विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने क्रोध में भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पाषाण के हो जाओ और स्वयं ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख से एक पौधा जन्मा। तब भगवान विष्णु बोले, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा, जो और मैं बिना तुलसी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से सभी तुलसी जी की पूजा करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के देव उठनी एकादशी को किया जाता है। माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। यदि आपने आज तक कन्यादान नहीं किया हो तो तुलसी विवाह करके आप इस पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराने वाले भक्तों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में आ रही सभी बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। तुलसी जी का स्तुति मंत्र महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।